सोल पेपर सीरीज में आज हम बीकॉम सेकंड ईयर एफएडीएम 2018 का पेपर ले रहे हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए इसको दो पार्ट में बांट दिया, एक में हम प्रैक्टिकल लेंगे, एक में थ्योरी लेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर आप पेपर तो पलट नहीं सक पाएंगे, तो किसी को केवल प्रैक्टिकल सोल करने हैं तो प्रैक्टिकल वाला देख लें, किसी को थ्योरी करनी है वो थ्योरी वाला देख लें, जिसको दोनों करनी है वो दोनों देख लें, ताकि टाइम खराब भी नहीं होगा और हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देखें। एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, आप जब भी आप यूट्यूब पे कोई स्टडी करते हैं, कंटेंट कोई प्रैक्टिकल टाइप का कंटेंट करते हैं, तो पेन और रजिस्टर लेके बैठें, ताकि कहीं भी आप कुछ आपको उतारना हो तो उसको रोक कर और फिर आप पेन चलाएं, उतार लें, फॉर्मूलाज वगैरह उतार लें और उसके बाद आगे बढ़ें। इससे समझ में भी आ जाता है और लंबा भी नहीं लगता। ठीक है, अब हम देखो पेपर इस तरह से था, एक से लेकर 10 क्वेश्चन थ्योरी के हैं, जो अगले वीडियो में मैं याद कराऊंगा आपको, मैं याद करा दूंगा, 1 से 10 थ्योरी के हैं। ठीक है, इसके बाद आपके 11 प्रैक्टिकल, 12 थ्योरी, तो 1 से 10 थ्योरी, 12वां क्वेश्चन थ्योरी का हो गया और 14वां थ्योरी का है, 12 और 14 थ्योरी। ठीक है, ये दो दो नंबर के थे, ये चार चार नंबर के, 4 मार्क्स। अब 20 मार्क्स में यूनिट फर्स्ट के अंदर, ये यूनिट फर्स्ट पहला कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 16 में ए 16 का बी यूनिट फर्स्ट में, फिर या चैप्टर क्वेश्चन वाइज कर देते हैं, 16A 16B, 17A 17B, 18A और 18B। ठीक है, ये मतलब इनमें चॉइस थी 20-20 नंबर वालों में, तो ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, बी थ्योरी है, फिर आपके 17 में ए थ्योरी नहीं, ए प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी है, ध्यान रखना, और लास्ट यूनिट में 18 का ए प्रैक्टिकल और बी थ्योरी। वापस समझ लें ढंग से, ये हमारा पेपर था 2018 का, 1 to 10 कंप्लीट थ्योरी थी 2-2 मार्क्स की, 12 और 14 थ्योरी, इसका मतलब 11, 13, 15 तीन क्वेश्चन, 5-5, 4-4 मार्क्स के प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल, समझ गए, और में थ्योरी थी। तो आज हमारा काम है इसमें प्रैक्टिकल क्या थे वो मैं समझा रहा हूँ, बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर थ्योरी के सारे मैं आपको याद करा दूंगा, और समझा क्या रहा हूँ अभी आपको याद ही करा देता हूँ, आप जैसे ही करते जाना, साथ के साथ करते जाना। एक चीज़ और, ये आपके काम के हैं तो आप इसको मैक्सिमम शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी दूसरे पे मोहताज नहीं होना पड़े कि कोई वीडियो आएगा तब आपको वो भेजेगा तो आपको पता चलेगा, एक सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो जैसे ही कंटेंट आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा, और तुम भी जितना मैक्सिमम शेयर कर सको ग्रुप के माध्यम से शेयर कर देना, ताकि किसी का भला हो जाए। देखो 1 to 10 तो थ्योरी है जो कर लेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, करना कैसे वो देखो। मैंने क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा, मैंने 11 पढ़ते ही मैंने ये देखा कि इसमें इंश्योरेंस का क्वेश्चन है, पहले मैंने मुझे समझाया कि इंश्योरेंस का क्वेश्चन है, दूसरा फिर मैंने देखा कि इंश्योरेंस में स्टॉक का इंश्योरेंस है। अब स्टॉक का इंश्योरेंस जैसे आपके माइंड में आया, आपको यह ध्यान रखना है कि स्टॉक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माल का बीमा है, दो ही बीमा है उसमें, लाभ की हानि और माल की हानि, ऐसे केसेज में आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना के करना पड़ता है। तो मैं क्वेश्चन में देख लेता हूं कि जीपी रेट दी हुई है या नहीं है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को सीधा कैसे उतारते हैं, मैं वर्किंग नोट टाइप समझा रहा हूं आपको, वहां खुद को करना है पर सीधा उतारने का तरीका समझा रहा हूं। देखो क्वेश्चन कह रहा है 18 जून 2016 को राम एंड कंपनी के गोडाउन में आग लग गई, आग से बचाया गया माल 22400 का था, ये बचाया गया माल, सेल्वेज्ड स्टॉक, स्पेलिंग पे मत जाना ना, जहां कोई लगे गलत है उसको सही कर लेना,
ये आपके 22,400, ये सेल्वेज स्टॉक बचाया गया माल, हिंदी में लिखू क्या, इसका मूल्य 20,800 से हुआ, मतलब ये कह रहा है इसके अलावा कुछ माल क्षतिग्रस्त, कुछ आधा जला हुआ बचा लिया, जिसका मूल्य तय हुआ आपके कितना 20,800, ठीक है। एडिशनल सेल्वेज स्टॉक, अब घुमा दिया किसने, देखो ये नई बीमारी क्या आ गई, तो आपको डरना नहीं है, कोई और थोड़ा बहुत आधा जला हुआ माल था उसकी वैल्यूएशन भी हमने क्या कर ली कि आज की डेट में वो माल 20,800 का है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 43,200 आपके क्या हो गया, बचाया गया माल हो गया, मैं वर्किंग नोट कर रहा हूं, बचाया गया माल हो गया, सेल्वेज्ड इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में बचाया गया माल कहेंगे, ठीक है। अब ये आपको कह रहा है आग 2016 में लग रही है, आग कब लग रही है, 2016 में, इसने स्टॉक दे रखा है 31 दिसंबर 2015 का, ध्यान दो 31 दिसंबर 2015, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, सॉल्यूशन पे अभी नहीं जा रहा हूं मैं, 31 दिसंबर 2015 को स्टॉक दे रखा है, तो यही स्टॉक 1 जनवरी 2016 को होगा ना, 31 दिसंबर 2015, मतलब आग लगी उससे पिछले साल के अंतिम दिन का स्टॉक, तो 1 जनवरी 2016 को यही होगा, मतलब 16 में ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा ही। आग कब लग रही है, 2016 में, 31 दिसंबर 2015 का स्टॉक है, तो यही जाएगा 1 जनवरी 2016 को, ठीक है। आगे ये कह रहा है 1 जनवरी 16 को 18 जून 16 तक, मतलब 1 जनवरी 16 से 18 जून जिस दिन आग लगी उस समय तक परचेज दे रखी है, सेल दे रखी है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है और जीपी रेट 25% है। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है, मैं नहीं लिखूंगा परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न को फिलहाल, क्यों नहीं लिखूंगा, मुझे पता वो ट्रेडिंग में डायरेक्ट जाएंगे, जब वो ट्रेडिंग में जाएंगे तो मैं टाइम क्यों खराब करूं यहां, मैंने क्वेश्चन रीड किया, आपको क्वेश्चन रीड करना है, वापस सुन ले क्वेश्चन को, 16 में आग लगती है, बचाया गया माल दे रखा है, बचाए गए में दो दे दिया कि थोड़ा अच्छा बचा लिया, डैमेज बचा लिया हमें, तो मार्केट वैल्यू से मतलब है, चाहे अच्छा हो चाहे डैमेज हो, ठीक है। पिछले आग लगने से पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, परचेज दे दी, सेल्स दे दी, परचेज रिटर्न दे दी, सेल्स रिटर्न दे दी, जीपी रेट दे दी, मेरा काम सिर्फ इतना सा है कि मैं इसमें क्या बना दूं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना दूं बिना टाइम खराब किए। क्वेश्चन आ गया क्या, ब्रेन में आ गया क्या, जीपी रेट दे रखी है आपको 25% ऑन सेल है, कोई दिक्कत नहीं है, जीपी रेट ऑन सेल्स, विदाउट इंफॉर्मेशन भी सेल्स पे ही होती है, हमें सेल्स पे अच्छी होती है। अब मैं यहां बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट, सुनील, ठीक है, तो आप यहां ध्यान दें, ये आपके मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग मतलब ये जरूरी नहीं कि एट द एंड ऑफ द ईयर बने, इसलिए मेमोरेंडम, वर्किंग नोट में ट्रेडिंग, नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, मेमोरेंडम वर्किंग नोट का ट्रेडिंग। यहां मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक या टू परचेज अकाउंट, टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, क्वेश्चन पड़ा हुआ है, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ग्रॉस प्रॉफिट, बस आगे फोर मार्क्स देखो, इतना लिखते ही छोड़ के मत आ जाना खाली, कितना लिखते आगे तो भागे काई को जाए। ओपनिंग स्टॉक ये 2016 का है, ध्यान रखना, जनवरी 16 से लेकर आग लगने तक, तो आग लगने की डेट क्या, 18 जून 16 है, तो ये 18 जून 16 होगा, मतलब 16 का ही मान लेते हैं इसको। यहां ओपनिंग स्टॉक मुझे दिया हुआ है, परचेज मुझे दी हुई है, सेल मुझे दी हुई है, परचेज रिटर्न मुझे दी हुई है, सेल्स रिटर्न मुझे दी हुई है, बस फिल करना है, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा कितना, 1,67,000
दिया हुआ है क्वेश्चन में, परचेज, परचेज कितनी है आपके 2,34,000, 2,34,000 परचेज है और सेल्स है 3,10,000, इनर कॉलम में लिखा है। परचेज रिटर्न दे रखी है आपको 10,000, ये परचेज में से माइनस कर लेंगे। सेल्स रिटर्न कितनी है 2,000, ये 2,000 यहाँ माइनस कर लेंगे। तो देखो 234 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, शाबाश 224, और इधर आपके 3,08,000। जीपी देखो, ये 3,08,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 100 तो कितना हो गया, 77। अब कैलकुलेटर तो आप रखते नहीं होंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 4,68,000, क्या हो जाएगा, कर लोगे ना ऐड, 4,68,000 माइनस 3,08,000 तो कितना हो गया 1,60,000, 4,68 माइनस दिस, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, बैलेंसिंग फिगर। टोटल बराबर कर देना, आगे मत भागना, जो आता है उसको पहले क्लियर करना। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा था देखो, ये कह रहा है दावे की राशि ज्ञात करो, मतलब अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम में इसने ये भी दे रखा है पहले कि 1,20,000 का बीमा कराया था। देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इंश्योर्ड अमाउंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इंश्योर्ड अमाउंट 1,20,000, ठीक है, क्लियर है यहां तक, तो ये क्वेश्चन का पार्ट था, लिखना रह गया पहले। अब जब आग लगी तब आपके गोदाम में माल कितने का था, 160 का, तो बीमा कितने का होना चाहिए, 160 का होना चाहिए, जितना माल होता है उसके बराबर की अमाउंट का इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेबल अमाउंट, इंश्योर्ड अमाउंट। अब जला कितने का, तो 160 में से 43,200 बचा लिया था, तो यह हम लिखेंगे आग की तारीख को गोदाम में माल, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1,60,000, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, आग की तारीख को माल, लेस क्या करेंगे, सेल्वेज स्टॉक कितना 43,200 है, ठीक है 43,200 है ना, तो ये आएगा 1,16,800। अब आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम समझ में आ जाएगा क्या हिंदी वालों के भी, दावे की राशि लिख दूं, ये ले, ये दावे की राशि अमाउंट ऑफ क्लेम इधर आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है, इंश्योर्ड अमाउंट डिवाइड बाई इंश्योरेबल अमाउंट इंटू लॉस बाई स्टॉक बर्न बाई फायर, समझ गए, तो इंश्योर्ड में क्या लिखोगे, बीमा कितने का था 120 का, कितने का था, तो यहां लिख लेंगे 1,20,000, इंश्योरेबल ये 160 इंटू 1,16,800, जो भी आए वो आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे। अब देखो क्या किया आपने, जो दे रखा था जो ट्रेडिंग में आ सका ट्रेडिंग में लिख लिया, और जो अदर इंफॉर्मेशन यहां लिख ली आपने, बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल लिया, क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया, जितनी अमाउंट का स्टॉक होता है उतना बीमा होना चाहिए, इंश्योरेबल अमाउंट होना चाहिए, ध्यान रखना, और इंश्योर्ड दे रखी थी तो इंश्योर्ड डिवाइड बाय इंश्योरेबल इंटू स्टॉक बर्न बाय फायर, वो आ जाएगा दावे का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 11 था, ये ध्यान रखना बुक पेपर का। 1 से 10 चोरी थी,
11 प्रैक्टिकल कर लिया हमने, 12 थ्योरी, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेडियो उत्पादन कंपनी को एक पुर्जा बनाने की पर यूनिट कोस्ट 6.25 रुपये आती है। हम पुर्जा अगर बनाते हैं, मेकिंग का काम करते हैं, टूल्स मेकिंग का, तो हमारी कोस्ट क्या आ रही है, 6.25, जबकि बाजार में वो कितने में मिल रहा है, 5.75 में मिल रहा है। ये तो बढ़िया काम है, बाजार में सस्ता है। हम बनाते तो कितना है, 6.25, और मार्केट से खरीदते हैं तो कितना है, 5.75। अब ये कह रहा है ये 6.25 कैसे लिखते हैं, उसको सुनना आप। माल लगता है 2.75 का, लेबर लगती है 1.75 की, अदर वेरिएबल कोस्ट है 50 पैसे, डेप्रिसिएशन दे रखा है, एंड अदर फिक्स कोस्ट अब्सॉर्ब्ड 25 पैसे पर आर। ये कह रहा डेप्रिसिएशन एंड अदर फिक्स कोस्ट अब्सॉर्ब्ड 1.25, इसका मतलब ये 1.25 तो मार्केट से खरीद के लाएंगे तो भी लगेगी। ठीक है, अपनी राय दीजिए, क्या रेडियो उत्पादक कंपनी को पुर्जा स्वयं बनाना चाहिए या क्रय करना चाहिए। अब्सॉर्ब का मतलब होता है हमने इस प्रोडक्शन पे लिया है, फिक्स कोस्ट है वो। पुर्जा बनाना, पुर्जा खरीद के लाना, खरीद के लाए तो पुर्जा ही तो लेके आए, और बनाया तो पुर्जा बनाया, तो फिक्स कोस्ट को अब्सॉर्ब, तो फिक्स कोस्ट तो अलग पार्ट हो गई, वो तो आप मार्केट से खरीद के लाओगे तो भी लगेगी, पुर्जे से जो आगे काम करोगे। तो इसका मतलब हुआ हमें खरीदना है या बनाना है, इस पर अगर आप काम करेंगे तो आंसर वैसे ही आ गया। अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो कितने का आ रहा है, मार्केट से खरीदते हैं तो कितने का आ रहा है, और खुद बनाते हैं तो कितने का बन रहा है, 5 रुपये का। जो अब्सॉर्ब फिक्स कॉस्ट है वो तो आप फैक्ट्री बंद थोड़े ही करोगे, पुर्जा लाके दूसरे काम तो करोगे ही ना, वो तो मार्केट से खरीद के लाओगे तो भी आगे फिनिश गुड्स बनाओगे तब चाहिएगा, तो 5 रुपये। ठीक है, कैसे वो देखो, स्टेटमेंट शोइंग कंपेरेटिव कॉस्ट, देखो, इफ मेक, इफ बाय, बनाओगे तो यहां डायरेक्ट मटेरियल कितने का है, डायरेक्ट लेबर कितनी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो कितने हैं, अदर वेरिएबल कॉस्ट, पूरा लिखना तुम मेरी तरह DMDL मत करना। तो मटेरियल कितने का हो गया आपके, 2.75, बनाते हैं तो डायरेक्ट लेबर कितनी हो गई, 1.75, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 50 पैसे, तो ये कितना हो गया, 5 रुपये। ठीक है, इसमें ये लगेंगे नहीं, इसमें तो आएगी परचेज प्राइस, परचेज कितनी, 5.25, समझ गए होंगे। अब वापस मेरी बात सुनो, तुम में से कई जने सोच रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं लिखी, तो फिक्स कॉस्ट तो फैक्ट्री की है, पुर्जा खरीद के लाएंगे तो भी आगे का काम तो फैक्ट्री में करना पड़ेगा, पुर्जा तो एक पार्ट है, पूरा फिनिश प्रोडक्ट थोड़ी है, तो वो तो अगर आप खरीद के लाओगे तो भी लगेगी, बनाओगे तो भी लगेगी। तो अभी तो हम वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, पुर्जे की लागत की बात कर रहे हैं, इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं लिखेंगे। तो अब 5 रुपये ये आ रही है, 5.75 ये आ रही, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या होगा, हाँ मेकिंग लिख देना, कि हम पुर्जा बनाएंगे, क्योंकि इससे पुर्जा बनाने से हमें पर यूनिट 75 पैसे का फायदा हो रहा है, 75 पैसे का आ जाएंगे, इसमें तुरंत मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, क्वेश्चन नंबर 15, ये है आपके रेशियो का, कौन सा रेशियो आ गया इसमें, इसमें रेशियो आते हैं आपके बजट के रेशियो, बजट रेशियो, पहले रेशियो समझा देता हूं फिर क्वेश्चन समझाऊंगा।
स्पेलिंग सही है ना, इसमें तीन रेशियो होते हैं, तरीका समझा रहा हूं अंकित, ठीक है। इसमें होता है एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो। कौन कौन से? एक्टिविटी ए बी सी डी ई, पहले ये आता है, फिर सी आती है, फिर ई आती है। देखो ये ए बी सी डी ई, एक्टिविटी कैपेसिटी एफिशिएंसी, याद हो गया? तो ये आपके एक्टिविटी, ये कैपेसिटी रेशियो, ये एफिशिएंसी रेशियो। अब तरीका बता रहा हूं, ये सी है ना, ये सी है ना, तो यहां लिख देना ए और बी, क्या लिखोगे? ए बी सी, ए बी और सी, तो ये होगा एक्चुअल आर डिवाइड बाय बजटेड आर, ए बी सी 20 नंबर का आ गया था एक बार यही क्वेश्चन कि सर कितना बड़ा लिखें, उतना ही बड़ा लिखेंगे जितना चार में लिखते हैं। ए बी सी एक्चुअल आर डिवाइड बाय बस्टेड आर इंटू कुछ ही नहीं, बराबर मतलब कैपेसिटी इंटू क्या, किसो परसेंटेज में आ जाएगा ये, ठीक है। एक्टिविटी में देखो, लंबी लाइन, यहां भी लंबी लाइन, दोनों में ये यहां से जंप करके यहां चल जाएगा, ये यहां से यहां चल जाएगा और ये यहां से यहां आ जाएगा, लंबी लाइन। अब लंबी लाइन क्या होती है समझा दूंगा अभी। देखो पहले ए बटे बी बराबर सी कर देना, ए बटे बी बराबर सी कर दिया, ठीक है। अब यहां लंबी लाइन, ये नीचे वाला यहां आ जाएगा और ऊपर वाला यहां आ जाएगा, ठीक है। तो लंबी लाइन है स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, इन लंबी लाइन नहीं है क्या? ये तो स्टैंडर्ड आर को मैंने छोटा लिखा है, ये स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। हाँ इधर ध्यान दे लो, लिख लिया, आ गया समझ में? अब ये यहाँ आ जाएगा, ये बजटेड आर पूरा लिखना आप, ये यहाँ आ जाएगा, मतलब जो ऊपर है वो नीचे वाले के आ जाएगा, जो नीचे ऊपर वाले के आ जाएगा। और इंटू 100 तो हम परसेंटेज के लिए करते हैं, फॉर्मूला समझ में आ गया क्या? एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करना। पहले कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाना बीच वाले का, ऊपर ए नीचे बी बराबर सी, एक्चुअल आर्स डिवाइड बाय बस्टेड आर्स बराबर इनटू सो करके बराबर आपके क्या हो जाएगा? कैपेसिटी हो जाएगा। अब एक्टिविटी निकालोगे तो लंबी लाइन और इसमें जो नीचे आया था, इसमें ये ऊपर है ना, तो इसमें नीचे वाला यहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ ऊपर वाले के लिए, और इसमें जो ऊपर है वो नीचे वाले के लिए। दो तीन बार ऐसे सोचोगे तो फॉर्मूलाज भूलेंगे नहीं वहां पर। अब मैं क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल कैपेसिटी 10,000 घंटे, बस्टेड कैपेसिटी 8,000 घंटे, स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब लंबी लाइन आ गई 8,200 घंटे, और एक्चुअल हार फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन
अपने को तो ये तीन चाहिए, वो एक्चुअल आर की बाद में चलेंगे, कोई उलझ रहा है कहीं है। तो सबसे पहले अब कितना सिंपल हो गया, देखो क्या क्या दिया एक बार उतारूं यहाँ। देखो एक तो दे रखा है आपको प्रैक्टिकल कैपेसिटी, मतलब एक्चुअल प्रैक्टिकल कैपेसिटी। दूसरा दे रखा है बस्टेड कैपेसिटी, ठीक है, बस्टेड के यहाँ लिख रहा हूँ मैं। एक तो दे रहा है प्रैक्टिकल कैपेसिटी, दूसरा दे रहा है बजटेड कैपेसिटी, एक वो स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक एक्चुअल आर रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। ये दे रखे आपको प्रैक्टिकल कैपेसिटी, मतलब हर कोई कहेंगे 10,000 घंटे, ये कितना दे रखा है 8,800। मैं आपको सीधा तरीका बताऊंगा, क्वेश्चन उतार रहा हूं अभी मैं, 8,200 और ये आपके 9,200, ये है, ये एक्चुअल आ रहे, ध्यान रखना एक्चुअल आर रिक्वायर्ड। अब मुझे कुछ नहीं करना, वो लंबी वाइल लाइन वाला जो रिजल्ट है, लंबी लाइन वाला स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड, यहां लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, लिख दिया। अब पहले इस पे विचार करूंगा मैं, क्योंकि एक्चुअल आर कितना है 9,200, एक्चुअल आर, बजटेड आर कितना है 8,800, समझ रहे हो। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ एक्चुअल आर लिख दिया, यहाँ बजटेड आर लिख दिया, यहाँ लंबी लंबी लाइन लिख दिया। अब ये जो है ना, ये वाले यहाँ चल जाएंगे और ये वाले, समझ गए, इंटू 100 क्यों लिख रहे हैं, परसेंटेज के लिए, इंटू 100 क्यों लिख रहे हैं, परसेंटेज के लिए लिख रहे हैं, क्लियर है एकदम, आ गया समझ में। अब एक है आपके जिसको कहते हैं कैपेसिटी यूटिलाइज रेशियो, कैपेसिटी यूटिलाइज, इसको अलग याद रखना तुम। कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कितना हुआ, यूटिलाइजेशन रेशियो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो की बात करें अपन, कि कैपेसिटी का यूटिलाइज कितना हुआ, तो आपके फॉर्मूला हो जाएगा बस्टेड आर डिवाइड बाय प्रैक्टिकल आर इनटू 100, इसलिए दिया था ये प्रैक्टिकल कैपेसिटी। तो बस्टेड आर कितना है 8,800 और प्रैक्टिकल 10,000, समझ गए, ये आपके चार नंबर, कुल मिलाकर चार चार नंबर के तीन प्रैक्टिकल अभी हमने किए हैं। अब है 20-20 नंबर के तीन क्वेश्चन जो हमें करने हैं। सबसे पहले यूनिट में डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन है, ये डिपार्टमेंटल का वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 है बुक का। देखो बुक में कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये 10, 5, 15, 16 ए, और बुक का ये क्वेश्चन पहले चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब एक बार मैं चौथा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ढंग से सुनना, ढंग से। ये कह रहा है डिपार्टमेंट 3 है, ए बी और सी, कितने डिपार्टमेंट है 3, कौन कौन से हैं, ए बी और सी। ए ने 1000 यूनिट परचेज की, बी ने 2000 परचेज की, सी ने 2400 यूनिट परचेज की, और तीनों ने मिलाकर एक साथ 1,00,000 की ले ली, बस प्रॉब्लम यही है। अगर एक ही परचेजिंग प्राइस अपने पास होती
अगर बी की परचेजिंग प्राइस अपने पास होती, सी की परचेजिंग प्राइस अपने पास होती, तो ए बी सी की अलग अलग परचेज आ जाती, इन्होंने इकट्ठा 1,00,000 में खरीद लिया, क्लियर, यूनिट में दे रखी है परचेज, फिर इसने ओपनिंग स्टॉक यूनिट में दे रखा है, फिर इसने सेल्स दे रखी है, ठीक है, एक्चुअल सेल दे रखी है, तो यूनिट में अगर मैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज जोड़ दूं तो टोटल माल आ जाएगा, इतना मेरे पास पड़ा था, इतना मैंने खरीदा, टोटल यूनिट्स में आ जाएगा माल, सोल्ड यूनिट घटा लूं तो क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स आ जाएगी, कीमत निकालो, दूसरा तरीका बता दूंगा, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। अब मुझे यह पता है, सेलिंग प्राइस पता चल गई, सेलिंग प्राइस मुझे पता चल गई, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो यहां क्लोजिंग स्टॉक निकाल ही लेता हूं, या नहीं निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, सेल हमारे पास है, जीपी रेट हमारे पास आ जाएगी, तो सेल का जीपी रेट निकाल लेंगे, तो जीपी आ जाएगा और बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा, इससे मेरी वापस बात सुने, ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल्स 3 है हमारे पास, जीपी रेट निकाल लूंगा मैं, तो सेल्स इंटू जीपी रेट करूंगा, जीपी आ जाएगा, तो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लियर है। तो यह मैं कर रहा हूं, सपोज प्रोड्यूस यूनिट सोल्ड, परचेज यूनिट सोल्ड, प्रोड्यूस तो किया ही नहीं, परचेज यूनिट सोल्ड, देन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड इट्स परसेंटेज, सेल्स प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, सपोज परचेज यूनिट सोल्ड, अगर परचेज यूनिट को हम सोल्ड कर दें, देन कैलकुलेशन ऑफ सेल्स प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, देखो ये ए बी सी, ध्यान देना, मैंने नाम लिख दिया डिपार्टमेंट का, क्या लिखा, ए बी सी। अब देखो यहां यूनिट्स में, यूनिट्स परचेज लिख रहा हूं, यूनिट्स परचेज ए में कितनी 1000 खरीदी होगी, ए की, बी की कितनी खरीदी 2000, 2000, और सी की 2400, सेलिंग प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है पर यूनिट, तो यू मत सोचना हमने बेची वो क्यों नहीं ली, मैं ले रहा हूं, सपोज जो माल खरीदी उसको अगर, जो माल खरीदा उसको अगर हम बेचते तो सेल्स प्राइस क्या आती, खरीदने वाले की कॉस्ट मुझे पता है, तो प्रॉफिट आ जाता, फिर प्रॉफिट परसेंटेज में निकाल लें। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 20 है, इसमें कितना है 22.5, ठीक है, और कितना 25, तो ये आ जाएगी सेल्स आ जाएगी, एज्यूम वाली, एज्यूम करके, तो ये हो गया 20,000, ये हो गया 45,000, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये हो गया 60,000, तो ये आ गई टोटल सेल्स, ये टोटल 20 प्लस 45, 65, 65 प्लस 60, तो 1,25,000, जो माल खरीदा हमने उसको अगर उसी को बेचते तो 1,25,000 आता, जो खरीदा था 1,00,000 में उसको अगर मैं बेच देता तो 1,25,000 आता। अब मेरी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है 1,00,000, तो 125 माइनस 1,00,000, तो प्रॉफिट क्या आ गया, प्रॉफिट कितना 25,000, क्लियर। अब प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ध्यान रखना, सेल्स में से परचेज वाला ही घटा है, तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 क्या होता है,
ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू, अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25,000 है ना, निकाला ना भी ये 25,000, सेल्स कितनी है 1,25,000 इनटू 100, ठीक है, तो ये कितना आ गया 20%, क्लियर। तो ये 20% आपके आ गया प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि मेरा मार्जिन कितना है 20%, कितना है 100 में बेचता हूं तो 20 रुपए मेरा मार्जिन है, कॉस्ट आती है 80, क्योंकि हमारे पास परचेज की पर यूनिट कॉस्ट नहीं है, ओपनिंग स्टॉक की पर यूनिट कॉस्ट नहीं है हमारे पास, और बिना पर यूनिट कॉस्ट के हम ट्रेडिंग में लिखेंगे इसे, ट्रेडिंग में अमाउंट आती है, क्या आती है यूनिट्स नहीं आती है, और रुपयों में बात होती है, हटा दो इसको। तो ये मुझे पता चल गया कि 20% हमारा मार्जिन है, क्लियर, फर्स्ट पार्ट हो गया ये, या कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट, या आपके डिपार्टमेंट ए बी सी, या ये आपके सेल्स पर यूनिट सेल्स, इसमें कितना है 20, 22.5 दिख रहा है क्या, इसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, कितना परसेंट है प्रॉफिट 20 का 25% निकाल के बताऊं क्या, 20 है 20 का 20% निकाल के थोड़े बताऊं, 22.5 का 20%, 25 इंटू 20% कैलकुलेटर अला हुआ है। अब हमें क्या मिल गई, पर यूनिट कॉस्ट प्राइस मिल गई, क्या मिल गई पर यूनिट कॉस्ट मिल गई, 20 माइनस 4 बराबर 16, ये 18, ये 20, क्या है ये पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं परचेज निकाल दूं, कैलकुलेशन ऑफ परचेज सेपरेट परचेज यूं कर देता हूं। अब आपको यूनिट्स तो क्वेश्चन में दी हुई है, यूं मत सोचना बहुत बड़ा कर रहे हैं, ये तो मैंने तुम्हारे एक तरह से पहले करके भी ट्रेडिंग फटाफट बढ़ देंगे, इसलिए कॉस्ट प्राइस आ गई कि ए डिपार्टमेंट किस रेट से परचेज करता है, ए डिपार्टमेंट किस रेट से परचेज करता है 16 से, बी डिपार्टमेंट किससे 18 रुपीज पर यूनिट, सी डिपार्टमेंट 20 रुपीज पर यूनिट। तो यहां पर आपके यूनिट्स परचेज ये 1000 परचेज कर रहा है, ये 2000 परचेज कर रहा है, ये 2400 परचेज कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट ये 16 की रेट से परचेज करता है, 16 से परचेज करता है, ये किस रेट से परचेज कर रहा है 18 से परचेज कर रहा है। तो आपने 16 रुपीज पर यूनिट से परचेज की थी, 16 रुपीज पर यूनिट, तो ये हो गया 16,000 की परचेज आ गई, इसमें आपने पर यूनिट 18 आ गया था आपके, तो देखो 36,000 की ये परचेज आ गई, इधर आपके 20 रुपीज आ गया तो 48,000 की परचेज आ गई, ठीक है। आप टोटल करेंगे तो वही 1,00,000 आ जाएगा, पहले 1,00,000 इकट्ठा दिया हुआ था कि 1,00,000 में खरीदा, हमें ये पता नहीं था ए डिपार्टमेंट का कितने का है, बी का कितने का है, सी का कितने का है, लेकिन अब हमें पता है कि ए की इतनी, बी की इतनी, सी की इतनी, बिना सेपरेट के डिपार्टमेंटल अकाउंट आप नहीं बना सकते, क्लियर है ये। तो अब मेरे पास परचेज प्राइस आ गई, ओपनिंग स्टॉक की प्राइस निकालनी पड़ेगी, यूनिट्स दे रखी है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है, कॉस्ट से गुणा कर लेंगे, तो यहां पर आपके कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन रुपीज़,
इन रुपीज है ना, यहाँ पर ये ए बी सी यूनिट्स बोलिए, 120, 80, 152, ये आपके कॉस्ट प्राइस 16, 18, 20, ये आपके अमाउंट में आ जाएगी। 120 इंटू 16 है 840, 1440, 1440, 3040, ठीक है। अब देखो एक्चुअल सेल्स कितनी है, ये एक्चुअल सेल्स, वो सपोज वाली सेल थी ध्यान रखना, तो सोल्ड यूनिट, सोल्ड यूनिट दी हुई है 1020, 19 और 2456, इधर आपके सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, फर्स्ट वाले में 20 रुपीज पर यूनिट बेची, इसमें 22.5 और इसमें 25, ये क्या आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी, समझ गए। ये छोटा छोटा वर्किंग नोट टाइप ही है, पहले तो हमने जीपी परसेंटेज निकाल लिया, समझो पहले हमने जीपी परसेंटेज निकाल लिया, जीपी परसेंटेज निकालने के बाद क्या किया, सेल्स में से जीपी निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस आ गई, फिर परचेज यूनिट को कॉस्ट प्राइस से गुणा कर लिया तो परचेज आ गई, ओपनिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस से गुणा कर लिया अलग अलग तो ओपनिंग स्टॉक की रुपीज आ गई, और एक्चुअल सेल को सेलिंग प्राइस से गुणा कर लिया तो एक्चुअल सेल आ गई। अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक अमाउंट में है, परचेज मेरे पास अमाउंट में है, सेल्स मेरे पास अमाउंट में है, और सेल्स इंटू जीपी रेट करेंगे, सेल्स इंटू जीपी रेट करेंगे तो क्या होगा, जीपी आ जाएगा, सेल्स इंटू जीपी रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। हमें इसमें स्टॉक की यूनिट्स नहीं निकालनी पड़ेगी, नहीं तो वैसे सोल्ड यूनिट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज यूनिट माइनस सोल्ड यूनिट, तो क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट, और फिर वही 16, 18, 20 से गुणा करेंगे तो स्टॉक अलग से निकालना पड़ता है। क्लियर है, करके बताऊं, देखो ओपनिंग स्टॉक आपके पास है, परचेज आपके पास है, सेल्स आपके पास है, केवल फिल करना है। देखो इधर करा दूं, या डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, देखो टू ओपनिंग स्टॉक देख के लिखना है, टू परचेज, तुम मेरी तरह छोटे छोटे मत लिखना है ना, बाय सेल्स, ये भी देख के लिखना है, जीपी निकालना है 20% से, और बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग बन गया, कोई जोर ही नहीं आया। ठीक है, ये आपके ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक 1920, 1440 और 3040 अमाउंट वाला लिख रहा हूँ, परचेज लिख दूंगा 16,000, 36,000 और यहाँ से 48,000, बता दो ना कहाँ से लिख रहा हूँ, ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ से लिख लिया, ये अमाउंट में है, ये परचेज अमाउंट में यहाँ से लिख लिया, सेल्स देखो सेल्स कैसे निकालोगे, 1020 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 20,400, 1920 इंटू 22.5 43,200 और 2456 इंटू 25 61,400। अब इसका 25% यहाँ लिख लेना, कुछ तो तुम करोगे ना, इसका 25% यहां लिखना, बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक और 20 नंबर। क्लियर है, ठीक है, अब आगे चलते हैं 17 देखें, 17 ये फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन है,
नहीं, डिफरेंशियल कॉस्ट का है। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है कि पहले फ्लेक्सिबल बजट बनेगा, कि पहले हम इतनी यूनिट बना रहे हैं इसके इतने लग रहे हैं, इससे ज़्यादा बना रहे तो इतने लग रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंट क्या है उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल बजट। क्वेश्चन समझा रहा हूँ पहले। सेकेंड यूनिट 20 नंबर का है ये। एक फैक्ट्री में वर्तमान में 16 रुपये पर यूनिट उत्पादन लागत पर 100,000 इकाइयों का उत्पादन होता है। प्रेजेंट में कितना उत्पादन हो रहा है? 100,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि 20% मटेरियल, 50% लेबर और 10% वेरिएबल ओवरहेड और 20% फिक्स ओवरहेड से बनता है। 20% तो मटेरियल लगता है, ठीक है, लेबर कितनी लगती है? 50%, वेरिएबल ओवरहेड 10%, फिक्स ओवरहेड 20% दिया हुआ है। फैक्ट्री की कैपेसिटी है 150,000 बनाने की, इच्छुक है इतनी बना सकते हैं, जिसके कारण संपूर्ण उत्पादन की प्रति इकाई मटेरियल में 1 रुपया कम लगेगी। अगर हम 150,000 यूनिट बनाते हैं तो पर यूनिट 1 रुपया माल सस्ता हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और लेबर जो है 2% कमी आएगी, लेबर की एफिशिएंसी में 2% कमी आएगी, और स्थिर कारखाना व्यय बढ़कर कितने हो जाएंगे? 350,000 हो जाएंगे। फिक्स जो ओवरहेड है वो कितने हो जाएंगे? 350,000 हो जाएंगे। समझ गए? प्रति इकाई आपको डिफरेंशियल कॉस्ट बनानी है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। हम अभी 100,000 यूनिट बना रहे हैं, कितनी बना रहे हैं? हमें बनानी है 150,000। क्वेश्चन समझा रहा हूं, डिफरेंशियल आएगा 50,000 का, फर्क बताना है। अब ये कह रहा है कि आपका जो कॉस्ट आ रही है उसमें माल कितना है? 20% है, ठीक है, 16 रुपीज पर यूनिट आपके टोटल कॉस्ट आ रही है। ये आपके, मैं अलग अलग कर रहा हूँ मटेरियल को, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, ये टोटल मिलाकर 16 रुपये लगते हैं। टोटल मिलाकर कितने लग रहे हैं? उसमें माल कितना है? 20%, तो 3 रुपया 20 पैसे माल के लगते हैं। लेबर 50%, 50% लेबर के लग रहे हैं, 16 रुपये कॉस्ट आ रही है। 20% निकाल के बताऊं, ये 16 का 20% मटेरियल में, 16 का 50% लेबर में, 16 का कितना% वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 20% है, कोई बात नहीं है, 10 और ये 20 ले ले, ये मटेरियल, ये लेबर, ये वेरिएबल ओवरहेड, ये फिक्स ओवरहेड। तो ये आपके वेरिएबल ओवरहेड का कितना हो गया? 1 रुपये 60 पैसे, और फिक्स कितना हो गया? 3 रुपीज़ 20 पैसे। ऐसा लगता था कब? जब आप 100,000 यूनिट बनाते हो। तो हम पहले 100,000 ही बना लें, पहले 100,000 बना लें, बाद में 150 पे जाएंगे, ताकि हमारा डिस्टर्ब नहीं हो माइंड, कि ऐसा हम 100,000 बनाते थे तो कॉस्ट क्या आती थी? 16 लेख आती थी, हमें पता है। तो देखो, सबसे पहले हम 100,000 बना लेते हैं। यह बना देता हूँ, वहाँ वर्किंग नोट रख लेंगे हम। ये 100,000 यूनिट, या ये 16 लेख टोटल, 16 रुपीज से 16 लेख टोटल कॉस्ट, यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट, फिर यह मटेरियल, मटेरियल कितना, कितना परसेंट? 20%, तो सीधा लिख दूँ 3,20,000, इसका 20%, लेबर 50%, 8,00,000, लेबर 8,00,000, वेरिएबल ओवरहेड कितना? 10%, तो 160, और फिक्स ओवरहेड 20%, तो 320, जोड़ लो 16 लेख, कोई जोर आया क्या?
एक लाख यूनिट का है। अब ये कह रहा है 150 बनानी है, कितनी बनानी है 150। अब देखो क्या क्या कह रहा है, माल हमारे पहले कितना लग रहा था, 3.20 रुपए का लग रहा था, कैसे इसमें 320 में डिवाइड कर दो 1 लाख से। अब तो पर यूनिट निकालना आता है अपने को, तो 320,000 डिवाइड बाई 1 लाख, या फिर मैंने 16 का 20% निकाल कर रख रखा है, ठीक है। ये कह रहा है कि माल क्या हो जाएगा, 1 रुपए कम होगा, तो जो माल 3.20 रुपए का लगता था, अगर हम आगे प्रोडक्शन करेंगे तो 1 रुपया सस्ता हो जाएगा। तो मटेरियल देखो, यहां करता हूं, बिखरा हुआ तो है ही है, ये इसको हटा देता हूं। मटेरियल ये पहले 3.20 रुपए लगता था, 1 रुपया सस्ता हो जाएगा तो 2.20 रुपए का लगेगा, और कितनी है 150 यूनिट बनानी है। पहले 3.20 रुपए का लगता था, 1 रुपया सस्ता हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.20 रुपए, और कितनी यूनिट 150,000 यूनिट, तो ये हो जाएगा 3,30,000। कुछ नहीं, 1.5 लाख यूनिट बनानी है, आप 1 लाख का दिया हुआ है और 1.5 लाख बनानी है, बिल्कुल सिंपल, इजी हो जाओ थोड़ा, 2.20 रुपए इंटू 1.5 लाख। लेबर के लिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है लेबर की एफिशिएंसी 2% कम हो जाएगी, इसका मतलब कम बना पाएंगे, जहां पहले 100 यूनिट बनाते थे अब वो 90-80 बना पाएंगे, तो 98% पर काम करेंगे वो, तो हमें एफिशिएंसी को 100% तक लेबर ज्यादा देनी पड़ेगी, लेबर और लगानी पड़ेगी। तो देखो आपके यहां 8 रुपए पर यूनिट लगते हैं लेबर में, ये रेट नहीं कम ज्यादा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है अगर मैं 1.5 लाख यूनिट बनाना चाह रहा हूं तो 1 यूनिट के कितने लगेंगे 8 रुपए, तो ये 12 लाख रुपए लगेंगे मेरे हिसाब से, लेकिन लेबर काम कर नहीं रही है, वो 98% ही काम कर रही है, 2% एफिशिएंसी डाउन हो गई, जहां 100 यूनिट बनाते थे वो 98 ही बना पाएंगे, 98% पर करेंगे, हमें उसको 100% पर कराना है, तो इंटू 100 कर देंगे, तो 12 लाख बटे 98 इंटू 100 करना, 12 कितना 12,24,000 है 490, 12,24,490। अब आते हैं वेरिएबल ओवरहेड पर, तो वेरिएबल ओवरहेड के लिए कुछ कह रहा है क्या, कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब पहले 1.60 रुपए लगता था, अब भी 1.60 रुपए ही लगेगा, कितना 2,40,000, और फिक्स ओवरहेड कितने बढ़ जाएंगे, ये कह रहा 3,50,000 रुपए हो जाएंगे बढ़कर, ये नहीं कह रहा 3,50,000 से बढ़ जाएंगे, ये कह रहा बढ़कर 350 हो जाएंगे, ये 3,50,000, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 1 लाख की कॉस्ट दी हुई है, 150 की निकालनी है। अब डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब कितना डिफरेंट आया, देखो ये 50,000 तो क्वांटिटी में फर्क आ गया, ये 10,000 मटेरियल में, इधर आपके 4,24,490, ये आपके 80,000 और 30,000, इसका टोटल का भी डिफरेंट कर लेंगे, टोटल कितनी कैलकुलेटर देना, नहीं कल से लेके आना है, इसको इधर से जोड़ोगे आप तो देखो 80 और 30 110 120 120 और आपके 5,44,490 और इससे इसको घटाओगे तो भी यही आएगा, ये 20 मार्क्स। एक बार वापस सुनो, 1 लाख का दिया हुआ है, ओरल टाइप कर लो, 1 लाख का दिया हुआ है, मटेरियल 20%, लेबर 50%, ओवर ये आपके वेरिएबल ओवर 10% और फिक्स ओवरहेड 20%, तो 1 लाख × 16, 16 लाख, 20% मटेरियल में, 50% लेबर में, 10% वेरिएबल ओवरहेड में और 20% आपके फिक्स ओवरहेड, हो गया 16 लाख। अब मैंने पर यूनिट निकाल लिया 1 लाख से डिवाइड करके, फिक्स का मत निकालो चाहे, ये कॉस्ट आई मेरे, ये कह रहा है 1 रुपया कम लगेगा, आगे प्रोडक्शन करोगे तो जो 3.20 रुपया लगता था वो 2.20 रुपया एक यूनिट का लगेगा, गुणा कर लेंगे यूनिट से,
लेबर लेबर में 8 रुपए दे रहे हैं लेकिन एफिशियंसी 2% डाउन हो गई, तो जब 100 यूनिट बनती थी कितनी बन रही है, 98 बन रही है, तो कोस्ट में 98 का भाग दे देंगे इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। और वेरिएबल ओवरहेड आपके क्या है, तो वेरिएबल ओवरहेड में 1.60 रुपया लग रहा था गुणा कर देंगे, और फिक्स ओवरहेड ये करा 3,50,000 हो जाएंगे। दोनों लिख लिया, डिफरेंट डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट कर दो, कर लोगे डिफरेंट तो अपने आप क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा, ठीक है। और 20 नंबर आ जाएंगे आपके। लास्ट क्वेश्चन देखें, यह लेबर वेरिएंस का आया था, किसका, लेबर वेरिएंस, आपका पसंदीदा चैप्टर है ये। अगर आपने वेरिएंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो वेरिएंस वाला पूरा वीडियो देख लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके पास किसी भी टीचर के कोई गेस्ट आए हुए हो, स्टैंडर्ड लेबर दे रखी है ए ग्रेड बी ग्रेड, तो इसको मैं कहूँगा स्टैंडर्ड आवर, ए और बी, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर कितना है, 90 और 60। ए टाइप के वर्कर 90 घंटे काम कर रहे हैं, बी टाइप के 60 घंटे कर रहे हैं, टोटल 150 घंटे काम कर रहे हैं। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। प्राइस क्या है, 2 और 3, इसको 2 रुपये प्रति घंटा देते हैं, इसको 3 रुपया देते हैं। एक्चुअल देखो, ये एक्चुअल आर देख लेते हैं, इधर एक्चुअल प्राइस, ये एक्चुअल कॉस्ट, ये लिखना है आपको। तो एक्चुअल आर में 80 और 70 हो गए, ये 80, ये 70 दिया हुआ है, 150 इनपुट, फिर रेट दे रखी है आपके 2.5 पर आर और 2 रुपीज पर आर, ठीक है। इधर आपके बजटेड घंटे 1000, वास्तविक घंटे 900, ये कह रहा बजटेड आर जो है 1000 घंटे, और उत्पादन कितना 900, 5000 इकाइयाँ बनाई आपने, परमाप आनी 20%, वास्तविक आनी 900 इकाइयाँ। ये क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है लिखने में। देखो ये कह रहा है बजटेड घंटे दे रखे हैं 1000, बजटेड घंटे कितने हैं 1000, 1000 घंटे काम किया और 60 जनों ने 1000 घंटे काम किया, नंबर ऑफ वर्कर थे, मैंने घंटों में लिख दिया, 90% 1000 घंटे काम कर रहे हैं, 60% 1000 घंटे काम कर रहे हैं, तो टोटल 150,000 घंटे काम हुआ, ठीक है। और आउटपुट कितना बता रहा है, 900। इधर आपके कह रहा है 5000 इकाइयां बनानी थी, एक मिनट रोकना, ये कह रहा है कि आपके 90 वर्कर थे या 60 वर्कर थे, 1000 घंटे काम हुआ, एक्चुअल में 900 घंटे काम हुआ, एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ, 900। तो यहाँ 80% कितने घंटे काम कर रहे हैं, 900, और यह 70% 900 आर कितना हो गया, 63,000। तो ये हो गया आपके टोटल 1,35,000 आर हो गया। अब देखो ये कह रहा है कि आउटपुट 5000 यूनिट होनी चाहिए और स्टैंडर्ड से 20% लॉस हो गया, आउटपुट कितना होना चाहिए 5000 और लॉस क्या मान रहे हैं 1000, कैसे 20%, तो आउटपुट कितना 4000 यूनिट, आउटपुट हो गया 4000 यूनिट। एक्चुअल में आउटपुट ये कह रहा है कि 900 यूनिट वेस्टेज हुई, एक्चुअल में वेस्टेज कितनी हुई 900 यूनिट, तो आपके 5000 होनी चाहिए थी आउटपुट, लॉस कितना 900, आउटपुट कितना 4100। आउटपुट सेम है क्या, ये समझ गए क्या, ये नंबर ऑफ वर्कर को 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, नंबर ऑफ वर्कर को 900 से मल्टीप्लाई कर लिया, आउटपुट आना चाहिए था 5000, ये कह रहा 20% वेस्टेज, तो आउटपुट 4000, एक्चुअल में 900 वेस्टेज हुआ, तो आउटपुट 4100। अब अपने को टेबल वापस बनानी पड़ेगी, क्यों बनानी पड़ेगी, क्यों बनानी पड़ेगी, आउटपुट सेम नहीं है, तो हम एस क्यू वापस निकालेंगे, ऐसे एस क्यू वापस निकालेंगे,
तो आप करोगे एस क्यू क्या एस एच, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आर, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। तो यह आपके 90,000 डिवाइड बाई 4,000 इंटू 4,100, 90,000 डिवाइड बाई 4,000 इंटू 4,100 कितना, तो ये आ गया 9,250, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, 2 रुपीज। इधर देखो 60,000 डिवाइड बाई 4,000 इंटू 4,100, लिख के बताऊं, ये 60,000 डिवाइड बाई 4,000 इंटू 4,100, ठीक है, तो ये आ गया 61,500। टोटल करना 133,750 और आउटपुट सेम है, अब सेम कर दिया ना हमने, क्या 53, टाइम ज़्यादा हो गया, तो इधर आपके 2 और ये 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। एक्चुअल आपके पास पड़ी है क्या है, 72,000, ये 2.5 से, और 63,000 किस से, 2 रुपीज से, ये 135 और आउटपुट 4,100, ठीक है। ये हमारी नई टेबल बन गई, अब आप आराम से वेरिएंस निकाल लेंगे, आ जाएगा। अब तो कैसे आप करेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर प्राइस वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तीन पहले। कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो 92,250 इंटू 2 करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 1,84,500, इसको 3 से करना, तो ये 500, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 3,089,639, इधर आपके 72,000 इंटू 2.5, तो 144 और 36 कितना 180, इधर आपके 126, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई, कंप्लीट। अब आपकी टेबल कंप्लीट है, आप कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, प्राइस वेरिएंस 2 माइनस 2.5 इंटू ये, 3 माइनस 2 इंटू ये, ठीक है। एफिशिएंसी वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू, तो ये हो जाएगा ये माइनस ये इंटू ये और ये माइनस ये इंटू ये, ठीक है। रिवाइज स्टैंडर्ड आर कैसे निकालोगे, ये आरएसएच, तो आरएसएच का फॉर्मूला क्या बन गया, स्टैंडर्ड आर डिवाइड बाई टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इंटू टोटल एक्चुअल इनपुट, टोटल एक्चुअल इनपुट, ठीक है। स्टैंडर्ड आर कितना है, 90,000, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना है, 150 इंटू 135, ठीक है, कितना 81,000, और इसका हो जाएगा 60,000 डिवाइड बाई 150 इंटू 135, ये आरएसएच आ जाएगा। अब आप आराम से आके कर सकते हैं, अगर नहीं आए तो कमेंट में लिख देना, मैं वापस करा दूंगा, कर लेंगे हम इसका थ्योरी पार्ट, ध्यान रहे ये प्रैक्टिकल पार्ट हो गया, दो पार्ट बनाएंगे प्रत्येक पेपर के, एक प्रैक्टिकल दूसरा थ्योरी, तो जिसको प्रैक्टिकल करने वो प्रैक्टिकल कर लेंगे, जिसको थ्योरी करनी वो थ्योरी कर लेंगे, जिसको दोनों कर लेने तो वो दोनों देख लेंगे, और इसको शेयर मैक्सिमम करना ताकि सबका भला हो जाए।
और सारे इस तरह से हम थ्योरी के भी बनाएंगे। ये इसके जो भी आंसर आए आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, प्रॉब्लम आए तो आप लिख देना, मैं वापस इसको सोल्व करा लूंगा।